हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग अड्डा में। तो बिहार पैरा मेडिकल 2022 वाले विद्यार्थियों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ चुका गाइस। जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्म किया गया था कि आज आप सभी का मे बी अलॉटमेंट लेटर ना भी आ सके, बट ऐसा नहीं किया गया, बोर्ड ने आपका अलॉटमेंट लेटर को जारी कर दिया गया है। तो यह बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ चुकी है गाइस। जैसा कि आप लोग इस वक्त देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ डीसीसी पीएम 2022 एंड डीसीसी पीएमएम 2022 इज नाउ अवेलेबल। ठीक है, सो आइए हम लोग देखते हैं, एक स्टूडेंट का यहां हमारे सामने रिकॉर्ड है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि इनका कौन सा कॉलेजेस अलॉट हुआ है, साथ ही साथ कौन से इनको कोर्स अलॉट हुए हैं और इनके बाद यहां पे इनको अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जो लिखा हुआ है जस्ट उसके नीचे में लिखा हुआ है डाउनलोड फर्स्ट ऑन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ डीसीसी पीएम 2022। तो इसी लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। सो जैसे ही हम लोग इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर आप सभी को वेट करनी होगी, यह सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है। ठीक है ना, इसी के कारण हम सभी को ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी टाइम लगेगी और यहाँ आने के बाद आप सभी को यहाँ पे पीएम का अगर आप लोग हो तो पीएम वाले पे क्लिक करोगे, अगर पीएमएम वाले हो तो पीएमएम वाले पे क्लिक करोगे। ठीक है, सो आइए हमारे सामने पीएम वाले स्टूडेंट हैं, सो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग क्लिक किए सो हमारे सामने यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगा गया है, जैसा कि काउंसलिंग, रोल नंबर, पासवर्ड और एक कैप्चा आपको फिल करनी होगी, उसके बाद ही आप लोग अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को देख पाओगे। ठीक है, सो आइए हम लोग फिल करते हैं। गाइज हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसमें क्या मांगा जा रहा है, तो रोल नंबर आपका, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, सो आइए हम लोग रोल नंबर और पासवर्ड को फिल करते हैं। जब आप लोगों ने काउंसलिंग करते समय जो आप लोगों को रोल नंबर और पासवर्ड दिया गया होगा वही रोल नंबर और पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है, तो आइए हम लोग फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स को फिल कर दिए हैं, आइए उसके बाद आप सभी को क्या करना है, तो साइनिंग वाले पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग साइनिंग वाले पे क्लिक करोगे सो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ सिक्योरिटी पिन इज डू नॉट मैच। ठीक है, तो आप लोगों को सिक्योरिटी जो पिन है वो बहुत ही करेक्ट यहाँ पे देना होगा। ठीक है, सो आइए हम लोग यहाँ पे डालते हैं करेक्ट सिक्योरिटी पिन, उसके बाद हम लोग फिर साइनिंग करेंगे। तो गाइज हम लोग यहाँ पे डिटेल को फिल कर लिए हैं, उसके बाद आप सभी को क्या करनी है, तो साइनिंग वाले पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग साइनिंग वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे सो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जा रहा है और बार बार एक ही चीज़ लिखा हुआ शो हो रहा है कि सिक्योरिटी पिन कोड डिज नॉट मैच। ठीक है, सो आप लोगों को अगेन ट्राई करते रहना यहाँ पे। ठीक है ना, एक बार और हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चा को फिल कर दिया, उसके बाद आइए फिर से हम लोग साइनिंग वाले पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग साइनिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो बार बार यही चीज़ लिखा हुआ शो हो रहा है, सो आप लोगों को यहाँ पे परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि सर्वर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बिजी हो चुका है, इसी के कारण आप सभी को ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और मॉर्निंग में कल सुबह में आप लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जितना बार भी यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को आप लोग फिल करोगे उसके बाद यहाँ पे ऐसा ही एरर देखने को मिल रहा है, डिड नॉट मैच। सो आप लोग पेशेंस बनाए रखें दोस्तों और कल मॉर्निंग में आप लोग अपना सभी लोग एक बाई एक करके अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को चेक करें। ठीक है, सो चलिए आई होप आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी, बट अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर वहाँ से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए।